हे इंटेलिजेंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिराग खंडेलवाल। एक बार एक पेंटर ने नया नया पेंटिंग का कोर्स करा था और उसने एक बहुत ब्यूटीफुल सी सीनरी बनाई थी। उसको अपनी क्षमता को परखना था, उसकी पेंटिंग स्किल्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं ये जानना था। तो उसने अपनी वो पेंटिंग एक बिजी स्ट्रीट पर रख दी और उसके बिल्कुल नीचे एक बोर्ड रख दिया जिसमें लिखा था, ये पेंटिंग मैंने बनाई है और मैं इस प्रोफेशन में बिल्कुल नया हूँ। मैंने शायद अपने स्ट्रोक्स में कुछ गलतियां भी कर दी हूँ, तो नीचे एक रेड मार्कर रखा है, आपको जो भी गलतियां दिखे आप उस पर एक स्मॉल क्रॉस लगा देना। अब वो पेंटर शाम को देखने आया कि कैसा रिस्पांस मिला है। जब उसने अपनी पेंटिंग को देखा तो उसका दिल टूट गया। पूरी पेंटिंग क्रॉस क्रॉस से भरी हुई थी। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी लिखे थे अपने पेंटिंग के नीचे। पूरी तरह निराश और आंखों में आंसू लेकर वो पेंटर अपने मास्टर के पास गया और सुबक सुबक कर बोला कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और अगर मैंने ये पेंटिंग सीखी है तो मैं पेंटर कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, आई फील लाइक डाइंग। उसका मास्टर मुस्कुराया और बोला, बेटा मैं साबित कर दूंगा कि तुम एक बेहतरीन आर्टिस्ट हो और तुम में कमाल की पेंटिंग स्किल्स हैं। बस जो मैं बोलता हूँ वो करो बिना कुछ सवाल पूछे। पेंटर ने हिचकिचाते हुए हाँ बोला और दो दिन बाद सुबह सुबह उसी पेंटिंग की एग्जैक्ट कॉपी बनाकर अपने मास्टर के सामने लाकर रख दी। उसके मास्टर ने उस पेंटिंग को बड़े सम्मान से उठाया और बोला, चलो मेरे साथ। और वो दोनों उसी स्ट्रीट में उसी जगह गए और वहीं पेंटिंग रख दी और सेम बोर्ड भी रखा जिस पर लिखा था, ये पेंटिंग मैंने बनाई है और मैं इस प्रोफेशन में बिल्कुल नया हूँ। मैं शायद अपने स्ट्रोक्स में कुछ गलतियां भी कर दूं, तो नीचे एक कलर बॉक्स है विद पेंट ब्रश, अगर आपको कोई गलती दिखे तो प्लीज उसको थोड़ा करेक्ट कर देना। अब शाम को वो और उसका मास्टर वापस स्ट्रीट पर गए और देखा तो वो पेंटर बिल्कुल सरप्राइज हो गया। उस पेंटिंग में किसी ने भी एक भी गलती नहीं निकाली थी। ऐसा बोला जाता है वो पेंटिंग वहाँ एक हफ्ते तक रखी हुई थी पर किसी ने उसके अंदर एक भी करेक्शन नहीं निकाली। मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना बहुत आसान होता है लेकिन उसको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल। तो किसी के भी क्रिटिसिज्म से अपने माइंड पर इम्पैक्ट मत डालो। क्रिटिसिज्म ओनली तब तक जरूरी है जब तक आप उनमें से पॉजिटिविटी ढूंढ कर आगे ना बढ़ जाओ। बस डू योर वर्क विद योर हार्ट एंड दैट्स इट, एंड दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। और मैं इसी टाइप की वीडियोस एवरी ट्यूसडे लाता रहता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस, और एवरी फ्राइडे मेरे चैनल पर केस स्टडी अपलोड होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। अब मिलता हूँ मैं आपसे फ्राइडे को, तो टिल देन।